नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में किन जिलों में हुई सबसे कम और सबसे अधिक वोटिंग। 2023 में मिलेगा बिहार को एक और नए एक्सप्रेसवे का सौगात। बीपीएससी हेड टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम टला। बिहार का हरित बजट पिछले साल की तुलना में हुआ कम। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस हुई दिलचस्प, भारत को जबरदस्त फायदा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में किन जिलों में हुई सबसे कम और सबसे अधिक वोटिंग। बीते दिन रविवार को बिहार नगर निकाय चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। मिली जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में कुल 59.62% मतदान हुए। वहीं अगर बात करें कि पहले चरण में किस जिले में मतदान सबसे अधिक हुई है या सबसे कम हुई है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अरवल जिला में सबसे अधिक 67.71% मतदान हुआ है। इसके साथ ही सबसे कम मतदान करने वाला जिला बांका जिला रहा, जहां 45.78% मतदान ही हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि पहले चरण में कुल 37 जिलों के 156 नगर पालिका के 3658 पद के लिए मतदान करवाया गया था। अपर मुख्य सचिव ने सारण के उत्पाद और क्षेत्रीय उत्पाद निरीक्षक को जारी किया कारण बताओ नोटिस। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग की टीम के द्वारा सारण में जहरीली शराब कांड मामले की जांच की गई। रिपोर्ट को सौंप दिया गया है, जिसमें विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा प्रशासनिक स्तर पर हुई लापरवाही को देखते हुए दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेज 7 दिनों के अंदर इसका स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि जिन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, उनमें सारण के उत्पाद अधीक्षक रजनी कुमार और क्षेत्रीय उत्पाद निरीक्षक अशोक कुमार शामिल है। इन दोनों अधिकारियों के द्वारा दी गई स्पष्टीकरण नोटिस के आधार पर ही विभाग तय करेगी कि दोनों अफसरों पर आगे क्या कार्रवाई की जाए। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भी सदन में प्रदर्शन। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भी विपक्ष के नेताओं के द्वारा जहरीली शराब से मरने वाले लोगों को मुआवजा देने के लिए प्रदर्शन जारी रहा। बता दें कि प्रश्नकाल के दौरान जैसे ही सवाल जवाब शुरू हुआ, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए बेल में पहुंच गए और मुआवजे की मांग करते हुए पोस्टर लहराने लगे। पोस्टर लहराते देख स्पीकर ने मार्शल से पोस्टर हटाने को कहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा कहा गया है कि शराब से जिन लोगों की भी मौत हुई है, उनके परिवारों को राज्य सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाना चाहिए और साथ ही इस मसले की न्यायिक जांच भी होनी चाहिए। भूमि अधिग्रहण का किसानों ने किया विरोध। बीते दिन रविवार को पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में मेट्रो निर्माण को लेकर कंपनी किसानों के फसल लगे खेत और लोगों के आसियाना को तोड़ने की वजह से किसानों और रैती जमीन मालिकों ने खेतों के पास आगजनी और हंगामा किया। बता दें कि लोग इतने आक्रोश में थे कि उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों को खदेड़ दिया और आक्रोश मार्च निकालकर सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित किसानों का कहना है कि राज्य सरकार उनके खेतों में लगे फसल और मिट्टी भर को जमीन को अधिग्रहित करते हुए अत्याचार कर रही है। पटना में कार से शराब की तस्करी। एक तरफ जहां बिहार में शराब से कोहराम मचा है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार की राजधानी पटना में कार से शराब की तस्करी की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना के गर्दनी बाग इलाके के जनता रोड स्थित देवी मंदिर के पास जब पुलिस के द्वारा एक कार में बैठे लोगों पर शक किया जाने लगा, तो उन्होंने कार को कब्जे में लेकर उसकी तलाशी की। तलाशी के दौरान पुलिस के द्वारा कार से 5 लाख की अवैध विदेशी शराब की खेप बरामद की गई और साथ ही दिल्ली रजिस्ट्रेशन का नंबर प्लेट मिला। वहीं कार में मौजूद तस्कर मौका पाते ही फरार होने में सफल हो गए। फिलहाल पुलिस शराब तस्करों की तलाशी कर रही है। बीपीएससी हेड टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम टला। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 40,506 प्राइमरी स्कूल हेड टीचर पद के लिए होने वाली परीक्षा की तिथि को 22 दिसंबर 2022 से बढ़ा दिया है। हालांकि आयोग के द्वारा अब तक नए तारीख की घोषणा नहीं की गई है और न ही परीक्षा की तिथि में बदलाव करने का कारण बताया गया है। बताते चले कि पहले जारी शेड्यूल के मुताबिक ये लिखित कॉम्पिटेटिव परीक्षा 22 दिसंबर 2022 को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच 13 डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स में किया जाना था। वहीं 40,506 पद में से 13,761 पद ऐसे शामिल है जो महिला कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व किया गया है।
गिरफ्तार हुआ कुख्यात शराब तस्कर अखिलेश यादव। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर प्रशासन एक्टिव हो गया है। बता दें कि पुलिस के द्वारा शराब तस्करों को पकड़ने के लिए SIT टीम गठित की गई है, जिन्होंने अब तक कुल 94 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही SIT टीम के द्वारा इस इलाके का सबसे कुख्यात शराब तस्कर अखिलेश राय और अखिलेश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और साथ ही 17,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही जिला भर से काफी मात्रा में शराब व स्प्रिट भी बरामद किए गए हैं। 2023 में मिलेगा बिहार को एक नए एक्सप्रेसवे की सौगात। 2023 से बिहार के रक्सौल से बंगाल के हल्दिया तक करीब 54,000 करोड़ की लागत से 695 किलोमीटर लंबाई की ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया जाएगा, जो कि बिहार के करीब 9 जिलों से होकर गुजरेगी। बताते चले कि यह सड़क बिहार के जिन 9 जिलों से होकर गुजरेगी उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमुई और बांका जिला शामिल है। इसके लिए DPR तैयार किया जा रहा है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इस एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर समय सीमा 2025 तक निर्धारित की गई है। वहीं इस सड़क के निर्माण से देवघर से काठमांडू की दूरी केवल 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी। बिहार का हरित बजट पिछले साल की तुलना में हुआ कम। राज्य सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कृषि को बढ़ावा देने के लिए हरित बजट पेश करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बता दें कि शीतकालीन सत्र के दौरान 16 दिसंबर को बिहार का तीसरा वित्तीय वर्ष 2022-23 का हरित बजट पेश किया गया, जिसमें यह पाया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में हरित बजट में कमी आई है। बता दें कि 2021-22 में हरित बजट 69,359 करोड़ था, जो 2022-23 में घटकर 69,255 करोड़ हो गया है, जबकि कार्यक्रमों का कुल बजट आवंटन भी 29,337 करोड़ से कम होकर 28,380 करोड़ हो गया। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शुरू की तैयारी। लोकसभा चुनाव के लिए अभी 1.5 साल बाकी है, और ऐसे में बीजेपी की ओर से अपनी तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि बीजेपी के द्वारा सहयोगियों की सीट और हारी हुई यानी कि कुल 160 लोकसभा क्षेत्रों को जीतने के लिए क्लस्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें बिहार के जदयू की जीती हुई 16 सीटें भी शामिल है। जानकारी के लिए बता दें कि इस प्लान के तहत बीजेपी 21 और 22 दिसंबर को पटना में 2 दिवसीय राष्ट्रीय विस्तारक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के संयोजन की जिम्मेदारी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा को दी गई है। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री पर हमला। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शराब से जिन लोगों की मौत हुई है वह सभी बिहार के ही हैं, न कि विदेश के। बिहार के लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री चुना है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वे बिहार के लोगों के लिए काम करें। अब उन्होंने 16 लोगों को मुआवजा दिया है, तो यहां जो 100 लोगों की मौत हुई है उन लोगों को भी मुआवजा देना होगा। उन्होंने कहा, नीतीश जी जगिए सोइए नहीं, जाकर बिहार के हित में काम कीजिए, आपको हर हाल में मुआवजा देना होगा। तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा को दिया चैलेंज। बीते दिन रविवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद की हुई बैठक में शामिल होकर वापस लौटकर पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा द्वारा मानहानि का मुकदमा दर्ज करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विजय सिन्हा उन पर एक नहीं बल्कि 10 मुकदमा कर ले। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पूर्वी क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में बिहार के एजेंडों को सबके सामने रखा गया। सुशील मोदी पर शिक्षा मंत्री का पलटवार। बिहार के छपरा जिले में हुए शराब कांड को लेकर सभी नेता एक दूसरे पर बयानबाजी करते थक नहीं रहे। वहीं अब बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी पर राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पलटवार करते हुए ट्वीट कर लिखा है कि तो देश भर में शराब बंदी करवाइए, फिर तो प्रदेश प्रदेश स्मगलिंग भी बंद हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सुशील मोदी के द्वारा किए गए ट्वीट बीजेपी पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में है पर ट्वीट पर पलटवार किया। वहीं अब तक जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या छपरा में 80 के पार पहुंच चुकी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस हुई दिलचस्प, भारत को जबरदस्त फायदा। टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के तहत खेली जा रही है, और अब फाइनल की रेस बेहद दिलचस्प हो गई है। टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की है, और अब पॉइंट्स टेबल में वो ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को पहले टेस्ट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। इस हार के साथ दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल 2021-23 में तीसरे स्थान पर खिसक गई है। टॉप 2 टीम अगले साल इंग्लैंड में फाइनल खेलेगी। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले एडिशन में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट।
बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 1008.69 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.39 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, उमेश ऋषिदेव, सदुल्लाह पलवी, कविता कुमारी, मुटू रंगीला, रविशंकर, राम प्रताप कुमार, नन्नू गोलू कुमार, लक्ष्मी मेहता, भान प्रकाश मौर्य, अमृता कुमारी, मोहम्मद नौशद राजा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कौन सी दो टीमें पहुंच पाएंगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।